भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे कंबोडिया। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, कई मुद्दे पर होनी है चर्चा। श्रीलंका सांसद से कई सांसद निलंबित, बजट वोट से पहले सरकार ने अपने कई मंत्रियों को किया निलंबित, पार्टी अनुशासन तोड़ने का आरोप। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिना दुदिवसीय भारत यात्रा पर, विदेश मंत्री रविशंकर प्रसाद से की मुलाकात, व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। श्रद्धा हत्याकांड के बीच यूएन प्रमुख का बड़ा दावा, कहा दुनिया में हर 11 मिनट में हो रही एक महिला की हत्या, हत्याकांड में प्रेमी पति पार्टनर परिवार से निकलते हैं कातिल। थाईलैंड में पुलिस परिसर में बम धमाका, एक की मौत, 10 लोगों के घायल होने की खबर। दक्षिणी थाईलैंड में एक पुलिस परिसर में हुआ बम विस्फोट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करेगी मध्य प्रदेश में प्रवेश। प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी यात्रा में शामिल, बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में राज्यपाल की गरिमा हुई खत्म, जनता अपनी है सरकार से नाराज। मेघालय में पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत, लोगों की मौत के बाद भड़की हिंसा, 7 लोगों में इंटरनेट से हुआ 48 घंटे के लिए बंद। जिले में आप विधायक की पिटाई का वीडियो वायरल, नाराज कार्यकर्ताओं ने कॉलर पर कटकर मारे मुख्यमंत्री, छोड़कर भागे गुलाब सिंह यादव। 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर का उद्घाटन, सीएम धामी ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी का किया उद्घाटन। केरल में श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी के घर आईटी का छापा, हैदराबाद में 50 जगहों पर इनकम टैक्स के रेड, मंत्री सी मल्ला रेड्डी के कॉलेजों पर छापेमारी। एनडीटीवी के मालिक बनेंगे गौतम अडानी, 26% एडिशनल हिस्सेदारी का ओपन ऑफर, एसबीआई ऑफर 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने नेताओं ने लगाई बस में आग, माओवादी नेताओं को मारने के विरोध में आज बुलाया गया बंद, माओवादियों ने आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर लगाई आग। कर्नाटक में बीजेपी की जन संकल्प यात्रा, चित्रदुर्ग और चिल्लकेरे में आयोजित की जाएगी यात्रा, जन संकल्प यात्रा में सीएम बोम्बई होंगे शामिल। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का बयान, 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, ब्रजलाल खाबरी निकाय चुनाव में सभादाय मेयर के चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे कांग्रेस। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे दिन ही बड़ा उलटफेर, सऊदी अरब ने खिताब के प्रबल दावेदार अर्जेंटीना को हराया, अर्जेंटीना का 27 नवम्बर को मैक्सिको से मुकाबला। ट्यूनिशिया डेनमार्क का मैच ड्रॉ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ग्रुप डी की दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट। भारत न्यूजीलैंड तीसरा T20 डकवर्थ लुईस में सहज मैच हुआ, टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज को अपना नाम किया। नए फॉर्मेट में होगा अगला T20 विश्व कप, पहली बार अमेरिका में होगा ICC टूर्नामेंट, कुल 20 टीमें होंगी शामिल। एड वॉर्नर की जोड़ी ने बनाया इतिहास, एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़े, वॉर्नर ने 1043 दिन बाद लगाया शतक।